दोस्तों, जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान हो गया है, क्यों? क्योंकि Zomato है ना। जी हाँ दोस्तों, अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल के दिमाग में आया और उस आइडिया ने Zomato मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जन्म दे दिया और इसमें उनके साथ ही रहे को फाउंडर पंकज चड्ढा। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे फूड डिलीवरी के बिजनेस में दीपेंद्र गोयल ने Zomato को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। चलिए शुरू करते हैं। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से होने के बाद भी दीपेंद्र पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो छठवीं कक्षा में ही फेल हो गए और तब जाकर उनकी आंखें खोली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए को बदला। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। जब 8वीं, 9वीं और 10वीं का रिजल्ट लाने के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के DAV स्कूल में दाखिला लेने के बाद वो फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और रात दिन लगकर पढ़ाई करने लगे और फिर 12वीं के बाद उन्हें IIT दिल्ली में एंट्री मिल गई। 2005 में IIT दिल्ली से दीपेंद्र ने मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड MTech की डिग्री हासिल की और फिर उन्हें B&N कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। उसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली की अपने क्लासमेट कंचन जोशी से शादी कर ली। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा करता था और फिर एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। दरअसल लंच के टाइम कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। ऐसे में समय की बर्बादी भी हुआ करती थी और कभी कभी मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता था। ऑफिस स्टाफ की समस्या को सुलझाने के लिए दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी लोगों को घर बैठे मिल जाए। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली NCR में उन्होंने फूडलेट नाम से एक वेंचर शुरू किया, लेकिन जल्द ही प्रसून उनका साथ छोड़कर मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। अब जब कुछ भी राह सामने नजर नहीं आ रही थी, तब जो हाथ उनके सामने आया वो हाथ था पंकज चड्ढा का, जिन्होंने उनका पार्टनर बनने का फैसला किया। पंकज भी, जो कि IIT दिल्ली से पास आउट थे और B&N कंपनी में उनके कलीग थे, जॉब में रहते हुए दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टल foodiebay.com की शुरुआत की। ये फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। शुरुआत में इसमें दिल्ली NCR के 1200 रेस्टोरेंट्स जोड़े गए। foodiebay.com लॉन्च करते समय दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इसे और बड़ा करने के लिए और इससे पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। उनका ध्यान सिर्फ कस्टमर्स की परेशानी को दूर करना था। लेकिन जैसे जैसे foodiebay.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर्स का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वे इसमें और रेस्टोरेंट्स जोड़ते चले गए। साल 2008 खत्म होते होते foodiebay.com में रेस्टोरेंट्स की संख्या 2000 तक पहुंच गई और यह दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2009 के आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodiebay.com का नाम चलने लगा। अब दीपेंद्र foodiebay.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना भी जरूरी था। साथ ही कंपनी में फंड्स की भी अब जरूरत महसूस की जाने लगी, मगर जॉब के साथ साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से मानसिक और आर्थिक दोनों साथ मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। फिर 2010 में उन्होंने foodiebay.com का नाम बदलकर Zomato कर दिया। कंपनी के नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला, foodiebay.com का नाम ईबे से मिलता जुलता होना, क्योंकि दीपेंद्र और पंकज ब्रांड के नाम को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। और दूसरा कारण था कि वो ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज से मिलता जुलता हो। इस तरह Tomato से Zomato नाम का जन्म हुआ। इसके बाद इन्वेस्टर्स की खोज शुरू की गई। सबसे पहले फाइनेंसर के रूप में 2010 में Naukri.com के संजीव बिखचंदानी सामने आए। उन्होंने अपनी पैरेंट कंपनी InfoEdge के माध्यम से Zomato में $1 million का फंड दिया। 2010 से लेकर 2013 तक InfoEdge को Zomato को $13.7 million का निवेश प्राप्त हुआ। बता दें कि अब Zomato का 47.9% शेयर InfoEdge के पास ही है।
2013 में जोमैटो को नए फाइनेंसर्स मिले। सिक्योटा कैपिटल ने इन्फोएज के साथ मिलकर कंपनी में $37 मिलियन का निवेश किया। उसके बाद एक निवेशक वीवाई कैपिटल ने भी हाथ मिलाया और इन्फोएज तथा सीक्वल कैपिटल के साथ मिलकर कंपनी में $60 मिलियन का निवेश किया। और ऐसे करते करते कई फाइनेंसर्स आए जिनसे अब जोमैटो में कुल फंड्स $223.8 मिलियन का हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलीबाबा एंड फाइनेंशियल कंपनी ने जोमैटो में $150 मिलियन का निवेश किया हुआ है। अब जोमैटो का विस्तार पूरे देश में होने लगा। किसी भी बिजनेस का विकास में मोबाइल ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। दीपेंद्र और पंकज ये समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ऐसा ही हुआ। मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद कंपनी के विस्तार की रफ्तार और बढ़ गई और इसके बाद वो सिर्फ भारत में ही नहीं रुका बल्कि जोमैटो ने यूएई, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका में भी विस्तार किया। इसके अलावा टर्की, ब्राजील, न्यूजीलैंड भी सूची में जुड़ गए। जहां एक और कंपनी पूरे विश्व में पूरी रफ्तार से बढ़ जा रही थी, वहीं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जोमैटो ने फॉरेन बेस्ड कंपनी पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। जोमैटो ने पुर्तगाली कंपनी गैस्ट्रोनॉमी और इटालियन कंपनी लेवांडो को एक्वायर कर लिया। सबसे बड़ा एक्विजिशन तब आया जब उन्होंने अमेरिकन सर्विस कंपनी नेक्स्ट टेबल को एक्वायर कर लिया। इस तरह ये यूएस मार्केट में भी कंपटीशन में आ गए। अच्छा, ये तो बात हुई इसकी जर्नी की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जोमैटो कंपनी पैसे कमाती कैसे है? क्योंकि ये हमारे घर तक उसी रेट में खाना पहुंचाती है और कई बार तो डिस्काउंट भी देती है। तो क्या है इसका रेवेन्यू मॉडल, आइए जानते हैं इस करिश्मे के बारे में। दरअसल जोमैटो 3 तरह के रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है। रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग। जोमैटो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स का पेड एड प्लेस करती है। इस पेड एड के माध्यम से जोमैटो को लगभग 75% आय प्राप्त होती है। इवेंट एडवर्टाइजमेंट। इस रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत जोमैटो रेस्टोरेंट बेस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए इवेंट प्रमोट करती है और उसके लिए अमाउंट चार्ज करती है। इससे उसे 5% प्रॉफिट मिलता है। कंसल्टिंग सर्विस। रेस्टोरेंट्स को जब भी नए आउटलेट या ब्रांच खोलने के लिए एरिया के संबंध में सलाह की जरूरत होती है तो जोमैटो इस संबंध में सर्च कर उन्हें सलाह देती है और कंसल्टिंग फीस चार्ज करती है। वैसे दोस्तों, जोमैटो के लिए सफलता की राह इतनी भी आसान नहीं रही। उसे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहला और बड़ा सेटबैक जोमैटो के लिए तब आया जब उसे घाटे के कारण 300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा और 10% की छटनी तो उसे सिर्फ यूएस में ही करनी पड़ी। दूसरा सेटबैक तब आया जब जोमैटो ने अर्बन स्पून कंपनी को एक्वायर किया और उसे अपनी कंपनी के तौर पर रीब्रांड किया, मगर ये वेंचर बुरी तरह से फेल हो गया। वहीं साल 2016 कंपनी का सबसे लो प्रॉफिट जनरेटिंग ईयर था। इससे 9 देशों यूएस, यूके, चिली, कनाडा, ब्राजील, श्रीलंका, आयरलैंड, इटली, स्लोवाकिया में अपने ऑपरेशन रोल बैक करने पड़े और फिर किसी तरह अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए उन्हें रिमोट मैनेजमेंट सर्विस के साथ आगे बढ़ना पड़ा। मगर ये सब तो कुछ भी नहीं था। एक बार जोमैटो का सबसे बड़ा साइबर अटैक झेलना पड़ा। हैकर ने उनके सर्वर से 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड हैक कर लिया। चिंता की बात ये थी कि हैकर्स द्वारा पेमेंट कार्ड डिटेल्स भी एक्सेस कर लिए गए थे, लेकिन कंपनी ने बताया कि नेम, ईमेल, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह ही हैक हुए हैं। हालांकि बाद में ये समस्या हैकर से बात करके सुलझा ली गई। तब सामने आया कि हैकर सिर्फ जोमैटो का सिक्योरिटी लूपहोल बताना चाह रहा था। दोस्तों, जोमैटो ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और ना जाने आगे भी कितने उतार चढ़ाव अभी ये देखेगी, मगर इस कंपनी और इसके फाउंडर में एक खासियत है कि ये हार नहीं मानते और ना ही मानेंगे। भले ही आप जोमैटो से खाना मंगवाएं या ना मंगवाएं, मगर एक बात जरूर है, जैसे नूडल्स के फील्ड में मैगी, टूथपेस्ट के फील्ड में कोलगेट, वैसे ही आज फूड डिलीवरी कंपनीज का नाम जोमैटो के नाम से लिया जाता है। तो ये थी सक्सेस स्टोरी जोमैटो कंपनी की। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली ऐसी रोमांचक वीडियो में।